अरे रूम हीटर के बारे में, सर्दी आ रही है दोस्तों, हर कोई अपने अपने घर में रूम हीटर लगाता है, कमरों में हीटर लगते हैं, और भी जगहों पे कॉमन एरिया में भी आप हीटर लगाते हैं बहुत बार अपने घर में। तो ध्यान करेंगे दोस्तों, रूम हीटर कभी भी अगर आप किसी बेडरूम में लगाते हैं तो वो वहाँ की जो बेडरूम की एनर्जीज हैं उनको भी हीटअप करता है। और अगर ये रूम हीटर वास्तु के हिसाब से गलत दिशा में आ जाए या गलत कॉर्नर में आ जाए उस रूम के, तो ये काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है उस कमरे में रहने वाले को, उस घर में रहने वालों को। तो ध्यान करेंगे दोस्तों, रूम हीटर वास्तु के अनुसार ठीक दिशा में लगाना चाहिए। इसकी सबसे पहली पोजीशन बनती है दोस्तों उस कमरे का साउथ ईस्ट कॉर्नर। आप अपने कमरे में रूम हीटर पे ध्यान करेंगे दोस्तों, साउथ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि अग्निकोण में आपका हीटर आना चाहिए उस कमरे के। अगर इन केस आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रूम हीटर नहीं आ पाता है तो सेकंड बेस्ट पोजीशन बनती है आपकी पूरा उसके अपोजिट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एयर कॉर्नर बनता है दोस्तों। आप अपने कमरे के या तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर कॉर्नर पे आप रूम हीटर लगा सकते हैं, या एयर कॉर्नर वाली डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आप रूम हीटर लगाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी दिशा में रूम हीटर नहीं लगा सकते, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में स्पेशली आपको रूम हीटर नहीं लगाना दोस्तों। ये घर में रहने वाले ओनर को बहुत नुकसान देगा अगर आप अपने कमरे के नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट में हीटर लगाते हैं। ये उस कमरे की ऊर्जाओं को खराब करता है दोस्तों, हीटर हीटअप कर देगा, ये घर में आर्ग्यूमेंट्स करा सकता है अगर ये गलत डायरेक्शन में रूम हीटर आप लगा देंगे, क्योंकि आप उस दिशा में नेगेटिविटी बढ़ा देंगे। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो उस कमरे का बन रहा है वो वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट की जगह पे अगर आप फायर ले आएंगे, रूम हीटर लगा देंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे तो वो नुकसान करेगा। साथ ही साथ साउथ वेस्ट कॉर्नर दोस्तों, उसमें भी अर्थ कॉर्नर है, वहाँ पर भी आप हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये भी आपके घर में सेविंग्स को खराब कर सकता है अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रूम हीटर लगाएंगे। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगली बार जब भी अपने घर में रूम हीटर लगा रहे हैं वो साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।